हेलो आप सभी को। ये सीन जो देख रहे हैं ये काटा टोली चौक का सीन है। यहीं पे आपको रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो मिल जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑटो लगी है यहीं से आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। ये गांधी चौक है, सीधे भी रेलवे स्टेशन है लेकिन वो लॉन्ग रास्ता है। यहाँ से आपको बाएँ जाना है और देखने आपका सुजाता चौक जाता है। तो चलिए बाएँ जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। काटा टोली चौक से आपका रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर होगा, 4 से 5 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग अभी आप रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो सीन देख सकते हैं कुछ इस तरह है। आपका राइट साइड में कुछ रेलवे स्टेशन लिखा होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है रेलवे स्टेशन का दिशा, देख सकते हैं हरा बोर्ड में लिखा हुआ था। तो आगे हम लोग आप बढ़ रहे हैं धीरे धीरे रेलवे स्टेशन की ओर। तो देख सीन भी देखते जाएँ कुछ इस तरह है। बीच में आपका काटा टोली से आएंगे तो चौक भी 3 चौक पड़ता हो शायद, ठीक है। तो चलिए आ गए हम लोग रेलवे स्टेशन रांची का। तो देखिए आ गया है रांची का रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों देख सकते हैं रांची रेलवे स्टेशन का सीन कुछ इस तरह है बाहरी भाग का। आसपास का सीन देख सकते हैं, ये पार्किंग है यहाँ पे, देख सकते हैं ये पार्किंग लगा हुआ है, ऑटो सब ये सब पार्किंग है, ठीक है। ये पार्किंग का जगह है। आसपास का कुछ इस तरह सीन है रांची रेलवे स्टेशन का। अगर कहीं भी जाना है तो यहीं पे आपको ऑटो मिल जाएगी एकदम। तो देख सकते हैं ऑटो लगी हुई है रांची रेलवे स्टेशन के बाहर। अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो ये रेलवे ओवरब्रिज का उपयोग करें यानी। तो सामने देख सकते हैं यहाँ पे टिकट घर है और आसपास का देख सकते हैं रांची रेलवे स्टेशन का सीन दिख रहा है। देखिए वहाँ पे टिकट घर है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5 प्लेटफॉर्म जाने का रास्ता है, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सभी है, जा सकते हैं इसमें ये ओवरब्रिज में। देखिए इधर आसपास का सीन, टेम्पू मतलब यानी कि ऑटो का सीन आसपास का इधर है। यहाँ पे रोक के देख सकते हैं, इधर आपका मेन रोड जा सकते हैं, ओवरब्रिज जा सकते हैं, ठीक है। इधर आपका देख सकते हैं कुछ। तो अब हम लोग धीरे धीरे ओवरब्रिज के थ्रू हम लोग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म इधर जाता है आपका, जिधर से आपका कॉन्स्टेबल निकला, ठीक है। देखिए इधर एक प्लेटफॉर्म में है, ये इधर एक प्लेटफॉर्म में आप जा सकते हैं। ऊपर से सीन लिया का सीन देख सकते हैं, एक नंबर का प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह है। और आसपास का भी सीन देख सकते हैं रांची रेलवे स्टेशन का। और ये जो डिजिटल बोर्ड दिखा रहे हैं, अगर आप कोई भी ट्रेन का लोकेशन जानना चाहते हैं तो ये डिजिटल बोर्ड के थ्रू जान सकते हैं ये द्वारा, ठीक है। उसमें देख सकते हैं ट्रेन नंबर, आगे अभी बताऊँगा डिटेल में। तो चलिए आगे देखते हैं सीन, देख सकते हैं ट्रेन नंबर लिखा हुआ, ट्रेन नेम डिप, ठीक है। तो देखिए सीन कुछ इस तरह भी है। अब देखिए अभी ये सीन देख सकते हैं, उधर आपका 4 और 5 प्लेटफॉर्म वो साइड है, आपका इधर 2 और 3 इधर जाना था, ठीक है। तो देख सकते हैं 4-5 प्लेटफॉर्म जाने का रास्ता कुछ इस तरह है। आसपास का सीन एकदम देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाला घंटा भी दबा लीजिएगा, ठीक है। अभी पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, तभी समझ में आएगा रांची स्टेशन में क्या क्या है। अभी पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ और भी आगे, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और जिस किसी को भी ज़रूरत पड़े रांची रेलवे स्टेशन का उसे शेयर कर दीजिएगा मेरा वीडियो, ठीक है। अब हम लोग प्लेटफॉर्म 1 के नीचे जा रहे हैं, मतलब प्लेटफॉर्म 1 में जा रहे हैं नीचे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अब प्लेटफॉर्म 1 में। तो देख सकते हैं ये डिजिटल बोर्ड से ही आपको ये लाल लाल जो दिख रहा है इसी में आपको पता चल जाएगा कौन सा ट्रेन आ रहा है कितना बजे। देख सकते हैं इधर ट्रेन नंबर लिखा हुआ है 1, 1, 3, 3, 5, 8, 8, ठीक है।
देख सकते हैं पहचानने का तरीका है रेलवे स्टेशन का। PF इस तरह जो आसमानी कलर का एक लिखा है, यह है समझ लिया कि प्लेटफॉर्म नंबर एक है, PF मतलब एक। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन वगैरह नंबर है। रांची रेलवे स्टेशन में शौचालय महिला और पुरुष के लिए प्लेटफॉर्म एक में है शौचालय। तो देख सकते हैं आसपास का सीन, ठीक है। ये जो सामने सीन देख रहे हैं ये आपका टॉयलेट वाला ही है, ई टॉयलेट बोलते हैं इसको, पैसा डालिए अपने से, ठीक है। उसमें भी आपका जो दिखाया वो शौचालय में भी पैसा लगता है, लेकिन इसमें भी इस तरफ कुछ पैसा डालिए और जाइए।